वही वही पापा का लेना डन तरमूज तो। हाँ गर्मी में तो बहुत इम्पोर्टेंट है तो चलो। हाँ आ गया वही वही लेना डन तो चलो। मोबाइल में एक फिर से जान आ गया। चलो थैंक्स टू पापा। आज सुबह के खाने में मस्त यहाँ पे दाल हुआ है, यहाँ पे मस्त पाट शाक है, एक सब्जी मेरा फेवरेट, और यहाँ पे आलू भाते आलू भाजा बहुत कुछ ही हुआ है। आई थिंक मछली भी किया है। मेरा मम्मी सुबह उठकर भाई इतना कुछ बनाते हैं तो थैंक यू मम्मी। चलो खाते हैं। और अभी देखो मछली का मस्त टोमेटो देकर कड़ी बना कर देकर गया है तो चलो बाहर टेबल में जाकर जल्दी से खा कर आता हूँ। ये पे लाइट है अच्छा तो उसलिए वीडियो कर रहा हूँ। तो चलो बाहर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना। चलो तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:26। आज है 4 अप्रैल। कल मेरा जेईई मेन का एग्जाम है तो आज सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा प्रिपरेशन ही कर रहा था कल के लिए, क्योंकि कल एक ऐसा एग्जाम है जिसका भाई कोई श्योरिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा वो आएगा। आपका एक साल दो साल का प्रिपरेशन के बाद ही थोड़ा थोड़ा कॉमन आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा हैट्रिक नहीं ले रहा हूँ। और मेरा मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम आप सभी जानते हो, उसके लिए अभी मैं मेरा सैमसंग का मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है वो लेने जा रहा हूँ एक शॉप में। पापा ही बेसिकली खरीद दे रहा है तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ने पापा को बोला तो पापा दे रहा है, तो अभी जाऊंगा पापा के साथ लूंगा। और एक चीज दिखा था वो पापा ने आज लेकर आया, ये देखो ये दोनों चीज जो जेईई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको वो जो सेंटर है वहाँ पे ऐसे भाई जो ट्रांसपेरेंट पेन ही अलाउ करते हैं, और जो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये तीनों चीज। तो अभी चलो जाते हैं। और आप सभी जानते हो मेरे मोबाइल स्टोरेज का प्रॉब्लम के लिए मैं वीडियो भी नहीं कर पाता थोड़ा थोड़ा। आप मेरा मोबाइल में अभी स्टोरेज है 8 मिनट का, तो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। 4K में करो तो 3 मिनट हो जाता है, तो उसके लिए मेमोरी कार्ड 64 GB का ले लूँगा, 550 समथिंग इसके अंदर ही तो हो जाएगा आई थिंक, इसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लूंगा। तो चलो अभी जाते हैं। तो और मेरा बड़ो दादा मतलब शुभंकर गंगुली पर बहुत पहुँचा था, बहुत हेल्प किया मुझे इस बारे में। तो चलो। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट डिस्क है ना ये 512 ये रेंज के अंदर ले लूँगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का ये भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, 200 ज़्यादा, तो सिंपली ले लूँगा। और मैं ना जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम का ब्लॉग बना देता हूँ। जैसे सौरभ जैसे आप देखोगे कि वो 8 मिनट के अंदर बहुत सारा कुछ डाल देता है, वो तो भाई एक प्रोफेशनल हो गया है, पर मैं तो उतना नहीं हुआ। तो मैं धीमे धीमे मेरा ब्लॉगिंग का जो प्रोफेशनल टाइप वो हो जाएगा आई थिंक। तो अभी तो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा मोबाइल भाई 20,000 का एक मोबाइल है, उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी तो 128 GB है तो भी। और मेरा प्रॉब्लम है मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट तुलता हूँ, तो उसके लिए एक स्टोरेज फुल हो जा रहा है, तो क्या भी करना, जो आदत है वो तो होगा ही है ना। तो फोटो भी तुलता हूँ ज़्यादा, तो जो भी हो अगर मेमोरी कार्ड हो जाए तो अच्छा होगा। तो चलो अभी मैं बारन कर रहा था लेने के लिए, क्योंकि देखो हम तो मिडिल क्लास फैमिली से है तो थोड़ा सा भी भाई पैसा लगे तो गाँव में छुपता है ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेना। तो भी बाद में समझा कि बेटा का ये ज़रूरत है, उसके बाद मम्मी ने पापा को कॉन्विंस किया कि लगेगा, उसके बाद पापा ने बोला कि खरीदेगा। आई थिंक मेरे पास भी था पर पापा दे रहे हैं तो क्यों लूँगा है ना, तो ही बोलना था। और पापा मम्मी भाई सबसे आपको सपोर्ट करेगा, पापा मम्मी को कभी भी नहीं छोड़ो। आप जब मुसीबत में पड़ोगे तब पापा मम्मी आपका साथ देगा, तो पापा मम्मी को कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करो, सबसे में रिस्पेक्ट देकर ही चलो। तो चलो अभी मैं इस तरफ आया था वीडियो शूट करने, अभी चलो जाते हैं जल्दी। आई थिंक कुछ पेड़ फेड़ लगेगा, उसके लिए ऐसे घेर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत गाँव टाव आता है गाय। तो हाँ चलो, तो हम जिस घर में बाहर रहते हैं उसका काकू है सामने, तो चलो तो पापा भी रेडी अभी जाते हैं। चलो हेलमेट भाई मस्ट है, इम्पोर्टेंट। चलो यहाँ पे कॉल बुदोरू भी है, बोधा बोल रहा था। हाँ मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव? ऑफकोर्स मेन ड्राइव, मतलब मेमोरी कार्ड, बोधा तो यही बोला। गाड़ी में एक प्रॉब्लम है भाई, 10 बार रोड के अंदर थम जाता है, तो जो भी हो ऐसे करके ही जाना पड़ेगा, बहुत पुराना हो गया है ना।
सकते हैं। आई थिंक सब जो इत्रो सेल का सब खुला हुआ है, जो इत्रो सेल हो रहा है, जो बंगाली ईयर का लास्ट में देता है यहाँ पे। ब्रिज में जो काम हो रहा था ना, वो भाई लगभग आई थिंक हो गया है। बोलते हैं चैत्र सेल रूट के चारों ओर भाई, दो तरफ। चलो अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे, रूट के पास से थोड़ा सा नमना पड़ेगा ब्रिज के पास, सामने ही है। चलो अभी जाते हैं वहाँ इस तरफ से नीचे की ओर। फोकट हो गया क्योंकि अभी मेमोरी कार्ड नहीं देता है, तो बॉर्डर ने बोला देता है पर अभी देख रहे हो यहाँ पे नहीं देता। आई थिंक बंद हो गया देना मेमोरी कार्ड, तो अभी दूसरे शॉप पे जाऊँगा, देखो कैसा हुआ फोकट। तो अभी भाई दूसरे शॉप में जाते हैं, चलो इस गली से गया था तो अभी दूसरे शॉप में जाऊंगा। चलो तो अभी नेक्स्ट जगह पे चलो। तो अभी पापा मुझे कहाँ पे ले जा रहा है मैं नहीं जानता, पापा के साथ ही चलो जाते हैं। तो अभी वहाँ से जो स्टोर्स बोला उसके सामने तो आ गए हैं, अभी ओपो टोपो लिखा है, अभी ये क्या नहीं जानते, तो चलो जाते हैं। हमारे घर के पास भी था पर यहाँ पे आ गए, क्या करूँगा बोर दादा के लिए। चलो तो चलो ऐसे लेते हैं, उसके बाद ही जाऊंगा। तो चलो आ गया भाई, भाई लेना डन। तो चलो मोबाइल में एक फिर से जान आ गया। चलो थैंक्स टू पापा, भाई पापा आई थिंक तरबूज लेगा। तो चलो और बाहर भाई गर्मी इतना है ना, इतना देर एसी के अंदर था। तो चलो काट कर भी दिखा रहा है भाई, वह भालो माल तो कोई भाई पापा का लेना डन तरबूज, तो हाँ गर्मी में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हमारा बोनगा भाई बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ एक सिटी है, तो चलो भाई पापा का बाइक जहाँ पे रखा है वहाँ पे जाके ले लूँगा। तो हाँ मिठाई खाऊँगा अभी। चलो तो हम लोग ले रहे हैं भाई मालाई वो रहा, तो हाँ चलो भाई इतना सारा আর পাশে এটা কি কর দো। চলো এ 10 টাকা করে বিস্কুট, এটা কি ব্রেক কদম বলে কাকু, এটা ব্রেক কদম কি কদম বললে, কত করে 10 টাকা, একটা দাও একটা দিয়ে দাও। सब लेना डन, अभी चलो जाते हैं। बाबा जी मोबाइल थोड़ा सा दिखाएगा उसके बाद ही चले जाऊंगा। अब अभी दिखा रहा है तो चलो। सैमसंग बॉय तो गैलेक्सी का एक का ग्रुप का देखो कितना सुंदर लग रहा है, तो हाँ ग्रीन कलर फेवरेट। चलो मोबाइल दिखा रहा है, स्क्रीन देखो कैसा हो गया। रोड के पास से भाई शॉप तो देखो कैसे है भाई, इसको कहते हैं चैत्र सेल दो पास से। हाँ टी शर्ट भी है यहाँ पे चैत्र सेल के लिए, एक दिन तो आऊँगा घूमने बोलूँगा भाई। रोड के ऊपर से सेल शुरू कर दिया है यहाँ पे, एस डी कार्ड देने के बाद से ना मोबाइल में एक अलग से जान आ गया तो लग रहा है मुझे। लेकर अभी पहुँच गए घर में, चलो आ गया। तो भाई मोबाइल में मेमोरी कार्ड देने के बाद जान आ गया मोबाइल में, तो आप जब प्रॉब्लम में पड़ोगे जैसे में स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो, सॉल्व आप जब करोगे तो दिल में एक शांति मिलता है, तो है ना। तो चलो अभी जो जो मिठाई ले आया हूँ वो दिखाता हूँ। और हाँ मैं जब फोन कर रहा था मतलब शुभम को, यानी 10 बार फोन किया, एक बार भी नहीं पकड़ा, आई थिंक किसी के साथ बात कर रहा था। तो जो भी हो देखो तीन तीन मच्छर कैसे बैठा है, एक एक और ये एक, तीनों लाइन से बैठा है बहुत सुंदर। कोई ऐसे लिख कर गया था अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, सैमसंग को भी लिखा था
और यहाँ पे सैंडिक्स का, पर सैंडिक्स का ये वाला नहीं लिया हूँ, पर हमका लिया है 550 रुपीज, तो अमेजोन से ज़्यादा लिया है। तो जो भी हो, तो मैं सर्फ कट दिया है, एक पावामी का, एक मेरा, देखो ये है बेसिकली मालाई, रसमलाई, आप सभी जानते हो बंगाली लोग, बंगाली कल्चर में, मतलब बंगाल रसमलाई के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे कुछ मिठाई है, शुगर फ्री मिष्टी भी। तो चलो, वो मिठाई देखकर अच्छा लगा होगा भाई, बंगाली मिठाई इतना अच्छा होता है, क्या बोला आप सबको। अगर मैं आप सबको खावा पाऊँ एक दिन, जरूर खाऊंगा बंगाली मिठाई। तो चलो, अभी कल तो मेरा जेई मेन है, आज थोड़ा सा सीन दिखा है जितना मैंने पढ़ा, मेमोरी कार्ड लेने गया था। तो होप आप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड एज ऑलवेज स्टे काइंड हंबल एंड ग्रेटफुल बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, नेवर फॉरगेट दैट। तो कल तो एक एक्साइटिंग वीडियो आएगा, तो चलो तब तक लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी। तो भाई गर्मी पड़ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और वाटर को भाई सेव करो। तो हाँ, और पशु पक्षी को थोड़ा सा वाटर दो, और रात में खाऊंगा सो जाऊंगा, तो जल्दी सोना पड़ेगा। कल भाई 6 बजे उठ के 8 बजे का ट्रेन है, तो बाय। देखो आज मेरा हेल्प किया, एक मेमोरी कार्ड खड़ी थी क्योंकि स्टोरेज का ही तो प्रॉब्लम है, मैं वीडियो कैसे कर पाता है ना, 64 GB एक्स्ट्रा हो गया। तो जो भी हो, एक दिन मैं पापा को दुगना करके लौटा दूंगा, 500 भी दिया है। तो जो भी हो, जितना भी हेल्प तो किया है मुझे, है ना, तो पापा को एक दिन मैं दुगना करके, दुगना नहीं, जितना गुन करके मैं लौटा दूंगा। चलो चलो, बाय।